जूनियर्स आए शायान आजाद आए कुपेश कुमार पांडे फील एक्सट्रीम जॉय टू एक्सटेंड अ हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर एट दिस मेमोरेबल इवेंट ऑफ फ्रेशर्स 2022 आर रोमर उमंग का माहौल है सब आपस में कितने खुश दिख रहे हैं हाँ पांडे सही कह रहे हो लेकिन क्या तुम्हें याद है वो समय जब मानव ने प्रकृति का विभस्त रूप देखा था जिसमें चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी हाँ भाई सही कह रहा है बहुत बुरा वक्त था उसी समय और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अंजाम दिखाने आ रहा है हमारा थीम ड्रामा क्लब प्रकृति मानव और अंजाम का प्ले लेकर प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर हसो 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 लेकिन अब तुम रोओगे और मैं हंसूंगा मैं तुम्हारा काल बनूंगा अब विनाश होगा विनाश विनाश अभी भी खराब ही है तुम समझी नहीं रही हो बच्चे बड़े हो रहे हैं क्या ऐसे समाज में पालेंगे बच्चों को हाँ तो छोड़ दीजिए ना अपना कारोबार चलिए चलते हैं विदेश में रहेंगे नहीं नहीं विदेश में जाना जैसे सबके बढ़ रहे हैं वैसे हमारे भी बढ़ जाएंगे और वैसे भी जब तक ऐसे लोग रहेंगे नमस्ते सर हाँ बोलो सर वो आपकी इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन के लिए सर कंपनी लगानी थी हाँ तो सर जंगल बीच में आ रहा है और सर यहाँ के ट्रैवल सब पेड़ नहीं काटने दे रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं पता मुझे एक हफ्ते के अंदर जमीन खाली चाहिए अब इसके लिए चाहे तुम लोग काटो या पेड़ समझ लो जी सर रखो जी सर देखो तुम परेशान मत हो मैं हूं ना तुम्हारे साथ सर देयर इज एन इमरजेंसी ओके अ 42 ईयर ओल्ड मैन विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग सर हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे आप जल्दी आ जाइए ओके आई विल बी देयर अरे अब कहां जा रहे हो तुम अभी तो आए थे देखो इमरजेंसी केस आया है मुझे फिर से जाना पड़ेगा ठीक है जा तो जल्दी आना फॉर यू इट्स ऑलवेज हॉस्पिटल हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल पर ये ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो हॉस्पिटल के चक्कर में तुम परिवार को पीछे छोड़ दो देखो तुम नाराज मत हो तुम तो जानती ही हो ये मेरा काम है मेरे लिए तुम और मेरे पेशेंट्स दोनों ही इम्पोर्टेंट है मानता हूँ मुझे समय तुम्हारे साथ होना चाहिए लेकिन अभी मेरे पेशेंट्स को मेरी जरूरत है मुझे जाना ही पड़ेगा पेशेंट्स को कैसे एडमिट करेंगे
कितनों को मना करना पड़ रहा है और कितने अभी वेटिंग लिस्ट में हैं, और ना जाने कितनों की तो लाने में ही उनकी मौत हो गई है। जितने मेरे पास बेड्स हैं उससे 10 गुना पेशेंट से बाहर तड़प रहे हैं, इतने लोगों का ट्रीटमेंट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। मुझे नहीं पता है कि उनके अपने अंदर किस हालत में है। माना ये पैंडेमिक हम सबके लिए चैलेंज लेकर आया है, लेकिन हमें उनकी मदद तो करनी होगी ना। वी हैव टू हेल्प देम। बट वी आर द फ्रंटलाइन वॉरियर, हम ऐसे हाथ पे आधार के नहीं बैठ सकते ना। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। बेड्स नहीं है तो जमीन पे लेटा दो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को मैं देखता हूँ। कंटेनमेंट जोन में आ गया है। लॉकडाउन प्रोटोकॉल इनिशिएट होने के कारण ना कोई आ सकता है। सर सुन तो रहे हैं, जल्दी आइए सर। नर्स, डॉक्टर प्रखर, अरे कोई आ क्यों नहीं रहा? बोल क्यों नहीं रहे, क्या हुआ इनको? सॉरी, इज नो मोर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप हमें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते हैं। पापा, पापा कुछ तो बोलिए पापा। देखिए अभी तो शांत रहिए, आपका सॉरी पेशेंट है। नहीं, पापा, नहीं, चुप रहूंगी मैं। आप लोगों ने मारा है मेरे पति को, क्या होगा मेरे बच्चों का? जब एक डॉक्टर के सामने उसके साथ मरता है उसका डॉक्टर, आग लिया है वो अंदर से, आखिर है तो वो भी इंसान ही। पर फिर भी हर दिन वो जीता है अपने मरीजों के लिए, उनके उस अथाह विश्वास के लिए जो उन्हें भरोसा दिलाता है वो उन्हें बचाएंगे, सब ठीक हो जाएगा इस पे यकीन दिलाता है। जीता है उस प्रतिज्ञा के खातिर जो उन्हें यह बोध कराता है कि उनका कर्तव्य ही सर्वोपरि है। चौंकाने वाली न्यूज सामने आते हुए भारतीय सरकार ने इस लॉकडाउन ने तो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। ना रोजगार है, ना खाने को कुछ है, ऊपर से ऐसी खबरें देख देख कर तुम्हें और तुम परेशान ना हो जाएगा सब कुछ ठीक, हो जाएगा सब कुछ पहले जैसा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। इस महामारी से ज्यादा तो मुझे अपनी इस बेरोजगारी से डर लग रहा है। बच्चों की चिंता तुम मत करो, वो मैं देख लूंगा। और वैसे भी अभी हमारे पास इतने सेविंग्स हैं कि हम अपना खर्चा 2-3 महीने तक चला सकते हैं। और वैसे भी अब ये ज्यादा दिनों की बात थोड़ी नहीं है, हमारे डॉक्टर्स कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अरे सुनो सुनो, नहीं सुनो, ना मिल रहा इस पहेली का कोई रास्ता, रोगी अब ये दुखाई दिन रात ही अपनों से अपने दूर हो जाएंगे, बच्चे बिन माँ के रोते रह जाएंगे। मैं हूँ तुम्हारा काल, तोड़ लो अगर तोड़ सको मेरा माया जाल।
बड़ी खबर आते हुए रशिया ने बनाई दुनिया की पहली वैक्सीन, दुनिया में दौड़ी खुशी की लहर। भारत में पेंडेमिक पे जीत की तरफ पहला कदम, वैक्सीन की प्रहार से होगा वायरस। अब 70% भारत हो चुका है वैक्सीनेटेड और दिन ब दिन केसेस की संख्या घटती जा रही है। हासिल बेजुबान।